खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारी भूमि हमारा भविष्य थीम पर पौधारोपण भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सुरेश कुमार उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में रेंज नोहर अधीन नर्सरी रामगढ़ में वन विभाग के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पवन कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी नोहर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाने के कारण, उद्देश्य एवं वर्तमान में पृथ्वी को बचाने के लिए उपाय और विशेष प्रकाश डाला। वह पृथ्वी पर आधिकारिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन जैव विविधता कायम करने पर जोर दिया। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, डीएन साहब ने बताया, आज का टाइम इस समय एक जो पर्यावरण की जो मेन समस्या है, इसका एक ही समाधान है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। हम बरसात का समय आ रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रामगढ़ नर्सरी में इस बार हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 40,000 को पेड़, इस तरह से कोई पेड़ कटता हो तो संबंधित तहसीलदार जी को भी आप सूचना दे सकते हैं, हमें भी आप सूचना दे सकते हैं, उसके हम लोग निश्चित रूप से कर। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, डीएन साहब ने बताया, आज का टाइम इस समय एक जो पर्यावरण की जो मेन समस्या है, इसका एक ही समाधान है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। हम बरसात का समय आ रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रामगढ़ नर्सरी में इस बार हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 40,000 को पेड़, इस तरह से कोई पेड़ कटता हो तो संबंधित तहसीलदार जी को भी आप सूचना दे सकते हैं, हमें भी आप सूचना दे सकते हैं, उसके हम लोग निश्चित रूप से कर। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, डीएन साहब ने बताया, आज का टाइम इस समय एक जो पर्यावरण की जो मेन समस्या है, इसका एक ही समाधान है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। हम बरसात का समय आ रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रामगढ़ नर्सरी में इस बार हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 40,000 को पेड़, इस तरह से कोई पेड़ कटता हो तो संबंधित तहसीलदार जी को भी आप सूचना दे सकते हैं, हमें भी आप सूचना दे सकते हैं, उसके हम लोग निश्चित रूप से कर। आज दिनांक 5 जून 2024 को श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशों की पालना में रेंज नोहर अधीन नर्सरी रामगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त रेंज नोहर का समस्त स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित ग्रामीणों और अन्य विद्यार्थी लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। उनको इस वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए निवेदन किया गया। नर्सरी का भ्रमण विद्यार्थियों को करवाया गया और प्रत्येक वहां पर आए हुए विद्यार्थियों को, अन्य आगंतुकों को एक एक पौधा भेंट कर और उपयुक्त स्थान पर पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया और पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखने की शपथ दिलाई गई। थैंक यू।